एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में शुमार कंट्रोल पुल का उद्घाटन 16 जून 1965 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट राज बहादुर द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि शिमला, सोलन, बिलासपुर सहित चंडीगढ़ से हमीरपुर और धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों व स्थानीय जनता को उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गोविंद सागर झील पर इस पुल का निर्माण किया गया था, मगर आज ये पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। जी हाँ, कंजोर पुल की बदहाल स्थिति को बयान करती ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते आज इस पुल पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। आलम ये है कि बरसात के चलते इन गड्ढों में पानी भर गया है और आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में हल्के व भारी वाहन कंजोर पुल पर से होकर गुजरते हैं और पुल की खस्ता हालत के चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों, दुकानदारों सहित पर्यटकों का कहना है कि पुल पर पड़े गड्ढों की वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं और यहां तक कि आमजन का पुल पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से पुल की जल्द मरम्मत करवाने की अपील भी की है। पुल की खस्ता हालत को लेकर जब बिलासपुर के कार्यकारी उपायुक्त बिनय धीमान से पूछा तो उन्होंने माना कि पुल पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। साथ ही उन्होंने पुल की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग NHAI के एक्शन से बात कर एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत हो सके और लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। न्यास अध्यक्ष सुभाष गौतम ने आज मेलों के प्रबंधों के लिए सभी समितियों के साथ अंतिम समीक्षा की तथा सभी प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया। मंदिर अध्यक्ष द्वारा जारी एक निर्देशानुसार प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन तथा जिला प्रशासन ने अपना अपना जिम्मा संभाल लिया है तथा सभी प्रबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक अगस्त से 10 अगस्त तक चलने वाले इन नवरात्रों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस बार भी नैना देवी को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। EDM बिलासपुर मेला अधिकारी तथा ASP बिलासपुर मेला पुलिस अधिकारी होंगे। पूर्व की भांति इस बार भी लगभग 1200 सुरक्षा कर्मचारियों को नैना देवी में यात्रियों की सुरक्षा हेतु चप्पे चप्पे पर तैनात किया जाएगा। न्यास अध्यक्ष सुभाष गौतम ने बताया कि लगभग 82 CCTV कैमरे पूरे नैना देवी मेला परिसर में लगा दिए गए हैं, ताकि प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रख सके। इस मेले में यात्रियों तथा स्थानीय लोगों तथा टैक्सी चालकों की गाड़ियों के लिए अलग से परमिट जारी किए जाएंगे। न्यास अध्यक्ष ने बताया कि टैक्सी वालों के सफेद कार्ड, लंगर वाली गाड़ियों को पीला कार्ड तथा लोकल व स्टॉप की गाड़ियों के लिए हरा कार्ड जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से गाड़ियां मंदिर गुफा तक ही आ जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि सेवा दलों के लोगों को उधर मंदिर कार्यालय के अनुसार मंदिर में लगभग 300 अस्थायी कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है तथा हर कर्मचारी को यात्रियों की श्रद्धा व भावना का ध्यान रखना एवं हर सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। कोताही बरतने वाले कर्मचारी पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। न्यास के अनुसार मंदिर सुबह 2 बजे से खुलेगा और रात को 12 बजे से बंद होगा। इंदौरा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर बिशप हिंदू परिषद ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बिशप हिंदू परिषद के चंबा नूरपुर प्रांत अध्यक्ष उदय पठानिया के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के दौरान परिषद के साथ बजरंग दल के भी कई पदाधिकारी शामिल हुए। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रांत अध्यक्ष उदय पटानिया ने कहा कि इस क्षेत्र में नशे का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बनी हुई है, जिसकी गिरफ्त में नौजवान पीढ़ी लगातार आ रही है। उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि
इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कोई पुख्ता कार्रवाई अमल में लाएं ताकि नौजवान पीढ़ी को इस नशे की बुराई से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से भी मांग की कि वो बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने भद्रोया और छन्नी बेली क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा इस कारोबार को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकतर मामलों में इसी समुदाय के लोग इस कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं, इसलिए पुलिस इन लोगों से कड़ी पूछताछ करे तो बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसी समुदाय के लोग जो प्रवासी हैं लेकिन अब वो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए हैं। उन्होंने सरकार से इनकी संपत्तियों की जांच करने की बात कही। वहीं SDM बलवान सिंह ने भी स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अति आवश्यक है। उन्होंने इस तरह का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस से गुप्त शिकायत करने की बात कही।